तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टिप। तो देखिए, जिस तरीके से हम ये जो तांबे का बर्तन है उसे क्लीन करते हैं, तो उसे घिसते घिसते हमारे हाथ दुखने लग जाते हैं, और दीपावली का टाइम है उस टाइम तो हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। बाकी और सफाई से भी हम इतने टायर्ड हो जाते हैं कि हमें इन सब बर्तनों को क्लीन करने का मन ही नहीं करता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए इतना अच्छा टिप लेके आई हूँ, जिसमें आपको ना तो रब करना पड़ेगा, सिर्फ एक चम्मच डालते ही पूरा क्लीन हो जाता है, ना घिसना ना जोर जोर से मलना। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से ये क्लीन होता है। देखिए, एक ड्रॉप डालते ही तुरंत ये क्लीन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिक्विड को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून पानी। ये नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, मटके वाला पानी लिया है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच पानी ले रही हूँ। साथ ही में हमें चाहिएगा सिट्रिक एसिड। ये किसी भी किराने के शॉप में आपको मिल जाएगा। तो ये देखने में एकदम चीनी के दाने जैसे दिखते हैं, तो इसे नींबू का सत भी कहा जाता है। ये लगभग 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने लिया है। अब चीनी और नींबू के सत को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें जो भी दाने हैं थोड़े से मेल्ट हो जाएँ। तो ये जब हाफ मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिट्रिक एसिड है इसमें मेल्ट हो चुका है। अब इसी स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे लगभग 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। हम नमक डाल के भी इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास नींबू है। एक नींबू का मैं इस तरीके से रस निकाल लेती हूँ। अगर आपके पास नींबू में रस कम हो तो आप 2 नींबू ले लें, अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने हाफ नींबू ही लिया है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में रस है, तो लगभग 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं नींबू का रस ले रही हूँ। अब इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं, और ये जो हमारा लिक्विड है बन के बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जो भी बर्तन है उसे हम उसकी किसी भी एक प्लेट के ऊपर रख लेंगे, ताकि नीचे का जो इसका जो लिक्विड है नीचे ना गिरे, और ये हमारा जो लिक्विड है वेस्ट ना हो। तो अब हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जहाँ पे भी हमारा ज़्यादा काला दाग धब्बा है वहाँ पे इस तरीके से हम गिराते जाएंगे, और आप देख पाएंगे ये अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए, सिर्फ मैं इसमें एक एक चम्मच इस तरीके से डालती जा रही हूँ, तो आप देख पाएंगे कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आगे आपको मैं और दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कॉटन से इस तरीके से क्लीन करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको देख पाए कि क्या कितने अच्छे से क्लीन हो जाता है। और बाकी जिस जगह पर ये गिरा नहीं है लिक्विड, वहाँ आप देख पाएंगे कितना काला पार्ट नज़र आ रहा है। तो उस पर भी मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ, और इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो आप देख पाएंगे ये जो काले धब्बे हैं कितने आसानी से मिट रहे हैं। मैं बिल्कुल भी इसे रब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसके ऊपर इस तरीके से स्पून से इस लिक्विड को ड्रॉप करते जा रही हूँ। ये देखिए एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारे हाथों में भी अगर चोट वोट लग गई हो और हमें घिसने का कुछ भी टाइम ना हो, या हमारे कुछ प्रॉब्लम रहे, तो भी हम इस तरीके से बर्तनों को ईजीली क्लीन कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से अंदर की साइड में हमारे हाथ नहीं जाते और हम इसे अंदर क्लीन कर नहीं पाते, तो इसके लिए ये तो बहुत ही अच्छा टिप है। सिर्फ इस लिक्विड को आप इसमें इस तरीके से डाल दें और थोड़ा सा राउंड राउंड इस तरीके से घुमा लें, तो आप देख पाएंगे अंदर जितने भी इसमें जो डर्ट जमा है सब अपने आप ही मेल्ट होते जाएंगे और निकल जाएंगे। अभी आप देख पाएंगे जो मैंने लिक्विड इसमें डाला है, डालते ही ये लिक्विड का कलर पूरा चेंज हो जाएगा। जितना भी इसमें कचरा है, जो जमा हुआ मेल है, वो सारा खींच के लेके आएगा। अब देखिए अच्छे से ये पूरा क्लीन हो जाता है, हमें बिल्कुल भी रब करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख पाएंगे ये जो पानी है, मैं दूसरे बाउल में इसे निकालती हूँ, तो कितना कलर चेंज हो गया इस पानी का। पहले कितना वाइट था और अब अंदर देखिए कितना कचरे की वजह से ये पूरा पीला हो चुका है। और फ्रेंड्स, जब ये बच जाए तो हम इसमें छोटे छोटे बर्तनों को भी फिर से क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टिप है,
और जब भी आपको क्लीन करना रहे तभी आप इसे तुरंत बनाएं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। उसके बाद आप इसे किसी भी थोड़ा सा सरफ से अच्छे से क्लीन कर ले ताकि इसमें कोई भी केमिकल ना रहे। उसके बाद इसे अच्छे से धो के एक साफ़ कपड़े से हम इसे पोंछ लेंगे। अगर जब तक आप इसे साफ़ कपड़े से नहीं पोंछोगे तो इसमें थोड़े बहुत वो निशान रह जाते हैं केमिकल के, तो वो चमक नहीं आती जो चमक आनी चाहिए। तो देखिए इसे हम अच्छे से एक अच्छे से कपड़े से पोंछ लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक साफ़ कपड़े से पोंछना। तो आप देख पाएंगे जिसे मैंने क्लीन नहीं किया उसमें और अभी जो इस जिस लोटे को मैंने क्लीन किया है उसमें कितना फ़र्क है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे और भी अच्छे अच्छे टिप्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। फ्रेंड्स इस लिक्विड के लिए मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, जब भी आप लिक्विड बनाएं पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, जितना हो सके इक्वल क्वांटिटी में ही नींबू का शहद, नींबू का रस और नमक लें और पानी थोड़ा कम लें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा।